वरुण बाबू आज आप क्लास में नहीं आए। हाँ, वो हमारा काम खत्म होने को आया है, तो समय भी कम बचा है, इसलिए। आप चाहे तो हम यहाँ भी सीख सकते हैं, मैं रुक जाती हूँ। क्या नहीं, कोई बात नहीं, कल तो आप आएंगे ना? कल परसों? नरसों? नरसों अगले हफ्ते? अगले हफ्ते हम वापस जा रहे हैं। बाकी जी, काफ़ी सारा काम बचा है, अभी भी मेरा लोग मेरा मुंह देख रहे हैं। मैं भी तो वही कर रही हूँ। बेहतर होगा आप जाइए। बेहतर होगा आप मर जाइए। कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे तक भूख ही डॉल हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, वो काम कब होगा? क्यों करें आप ऐसा मेरे साथ? चलिए आप लोग अपना काम शुरू करिए, चलिए। क्या हो गया आज तुम्हें? मुझे क्या हो गया? आपको क्या हो गया? क्यों कर रहे आप ऐसा मेरे साथ? जैसे कि आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, मैं कोई हूं ही नहीं आपके लिए, कोई मायना है मेरा आपकी जिंदगी में? मैं अगले मंगलवार जा रहा हूं, और जो समय हमने संग में बिताया वो तुम्हें पेंटिंग सीखनी थी। और क्या सिखाई आपने? जब आपको पेंटिंग करना आता ही नहीं, क्यों हाँ किया तभी मना कर देते? मेरी बेवकूफी थी। मुझसे प्यार करते हैं वरुण बाबू? मेरा दिल रखने के लिए तो हाँ बोल दीजिए। थोड़ी सावधानी बरतने में आपका ही फायदा है, कानून कभी भी लागू हो सकता है। अपनी विरासत हम नहीं बेचेंगे मजुमदार, नहीं बेचना चाहते तो ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें भी वक्त लगता है, बाकी जिम्मेदार लोग भी यही करते हैं। Ha ha ha!
पाखी पाखी बेटे कहाँ खो गए थे? तुम कब से उठी हुई हो? मुझे उठे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप तो ऐसे एकटक दिखे जा रहे थे, हाथ भी ऐसे, पंखा जल रहा था बुध की तरह। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लगा क्या? मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है? नहीं। बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर, कोई उसे मार नहीं सकता था, सब उससे डरते थे। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनका जंगलों में धावा बोला, उसे हजारों तीर मारे, तलवार से काटा, लेकिन वो मरे ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी। अब लाखों तोते हैं जंगलों में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है? फिर उन्होंने एक जासूस भेजा, एक सुंदर सा जासूस। राजा उसके प्यार में पड़ गया, उससे शादी कर ली। एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। अब ना दाया देखा ना बाया, तोते को यूं पकड़ा। जानती हो मानिकपुर में बिजली आ गई है। अच्छा, और रुकेगी कब तक? मतलब सड़क को बाएं तरफ पकड़ के चलाए पाकी दी। अरे धीमा चलाए। अरे भिड़ा गया तो समस्या हो जाएगी ना। भिड़ा गया तो आपने भिड़ाया, नहीं भिड़ा तो हम चला रहे थे, समझे? अरे अरे देखे 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 इधर, ओ ओ ओ ओ ओ देखे देखे देखे। अरे नकली से बर्खास्त करवाएंगे हमको। संभल के घर जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। जी सर के। हाँ? एक तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले को नाली में ढकेल दिए, गाड़ी चलाने नहीं आता, और पूछते हो काहे? हम ढकेले नहीं तो क्या हम? सावन आए गए।
क्या खराबी आ गई थी उसमें? इसका पलीता उड़ गया था, किसी ने बहुत बंदबूज किया इसके साथ। पलीता? तांतुक जो अंदर होता है जिससे रोशनी होती है। बिजली से रोशनी नहीं होती है? बिजली से पलीता जलता है, उससे रोशनी होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है। वो जो भी होता है अब पूरी हवेली में लगवा दीजिएगा, और जो खर्चा आएगा हमारे मजुमदार साहब को दे दीजिएगा। आप जरा भी गंभीर नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास अगर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो। मजुमदार, ये कानून कभी नहीं लागू होगा। होगा वो, सरकार में न महाराजे बैठे हैं न जमींदार। मारे बाबा हमेशा आपस में बहस क्यों करते रहते हैं? पता नहीं, मेरे बाबा को लगता है कि जमींदार बाबू समझते नहीं है, और जमींदार बाबू को लगता है कि मेरे बाबा ऐसे ही बकते रहते हैं। अच्छा, क्या बकते रहते? से एक बाबू आए हैं। कहां से? कोई अंग्रेजी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारी मंदिर की जमीन के चारों तरफ खुदाई करना चाहते हैं। कहते हैं कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है हमारे जमीन के नीचे। तो फिर आज रात को खाने पे आ रहे हैं, खुद ही पूछ लेना। वरुण श्रीवास्तव जी, पीछे मत देखना। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था। जी, और आपका नाम क्या है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम हो नहीं। जी, आप उन दोनों में से कौन सी वाली? मिस्टर श्रीवास्तव जी, आप समय के काफी पाबंद है। ये है हमारी बेटी पाखी, और पाखी बेटे ये है वो जेंटलमैन जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते जी। नमस्ते। लिखना चाहती है हमारी बेटी, वैसे बुरा नहीं लिखती है, हमारे लाइब्रेरी की हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है। बाबा, अच्छा लिखती हूँ मैं। I'm sure। आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे हमेशा लगता था कि वो कोई पुराने जमाने के आदमी होंगे, उम्र दराज भारी भरकम, जो मकड़ी की जालों में अपनी जीविका ढूंढते हैं। शायद इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को पुरातन विभाग कहा जाता है। ऑफ कोर्स। कहाँ ठहरे हो? जी, सर्किट हाउस में, वो मंदिर के पास है। तो ये अपना माथा कहाँ फूट लिया? जी, मेरी मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से मुठभेड़ हो गई। मानिकपुर में? जी। कौन चला रहा था? जी, मैं ही चला रहा था। दोनों एक साथ चलाओगे तो टक्कर होगी ना? जी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ऑफ कोर्स। कॉफी? जी। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था, इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया। Sorry about that। और जैसा हमेशा होता है हमारी गाड़ी देखते ही सब लोग झुक के प्रणाम करने लगते हैं, और उनको देखकर हमारी काफी गर्व होता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन, असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा, मेरे ननियाल दरभंगा के रहने वाले। क्या बताया था तुमने, कहाँ रह रहे थे? काफी असर जमाया वरुण बाबू, उस बर्फदार सर्किटा उसकी जगह ये शानदार सी हवेली। कुछ समझ में आ रहा है देवदास मुखर्जी? सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे माँ बाप जी ऐसे ही बात करते हैं। बंगाली सीख लो, अभी नहीं तो कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। बाजी देखी है तुमने? अरे देखनी चाहिए, इसे कहते हैं पिक्चर। होता ये कि देवानंद इसमें एक नंबर का जुआरी है, और एक समय ऐसा आता है कि उसे चुनना है, ढेर सारा पैसा और उसकी बहन की जिंदगी, या फिर वो ये सब कुछ छोड़ दे सिर्फ प्यार के लिए। क्या कमाल का करता है, और क्या कमाल का लड़ता है, दिखाऊं कैसे? ऐसे झूलते झूलते सामने से जितने चाहे लंपट क्यों ना आ जाए, मजाल है कोई उसके बालों का स्टाइल बिगाड़ दे। ये मंदिर 500 साल पुराना है, न तो हमने किसी को कुछ बनाने दिया न कुछ बिगाड़ने। ये राधा गोविंद की मूर्ति हमारी रायचौधरी खानदान की धरोहर है, कम से कम 300 साल पुरानी है। ये यहाँ इस तरफ जो जमीन है यहाँ हम खुदाई करेंगे, और कैंप हमारा यहाँ लग सकता है, और कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को यहाँ पे खुदाई करनी है, क्या करनी है? खुदाई। फिर सवाल ये है कि क्या आप सबको खोदना आता है? साहब, कुदाल कहे के लिए लाए? खोदने के लिए ही तो लाए है। वेरी गुड। हम खोद क्यों रहे हैं? अब हम खोद रहे हैं क्योंकि ये जमीन है। खींचो अपनी तरफ, अब जाइए और नीचे जाइए आराम से, और नीचे और नीचे। लगा ली दाव लगा ली।
देश विदेश की खबरों में सबसे पहले आज भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री राव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई जमींदारों ने इन बगीचा भी ले जाएंगे। हाँ। पर ले जाके करेंगे क्या? बांट देंगे गांव वालों में, मुफ्त के आम और केले खाएंगे सर। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजा रहे हैं पेट में, हमारे गुड़गुड़ के हालत ख़राब हो रही है। पहली रोज जब तक काटा नहीं काटी तबला बजता रहेगा, परंपरा चला। ऑफ कोर्स। गलत जगह जा रहे हो वरुण बाबू। पागल हो गई हो तुम तो ऐसे ही देख रही थी वहां। तुम कैसे देख रहे थे? वो मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? वैसे ही जैसे देखा जाता है तब जब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारे भूख के कारण दिमाग भी छुट्टी पर गया हुआ है। यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर। मैं कुछ नहीं पका रही। आपके बस की बात नहीं है। अब ना तो अब राजा हो ना रवि वर्मा हो, इतने सालों से देख रहा हूं जहां जाते हो इसे अपने साथ ले जाते हो, करते कुछ नहीं हो। बेटा देवदास, एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, जब बनाऊंगा ना पूरी दुनिया देखेगी। मुझे पेंटिंग सीखनी है। अब अचानक ये पेंटिंग का भूत कहाँ से सवार हो गया? अचानक नहीं, बचपन से सवार है। आप ही तो दिखाते रहते थे मुझे पेंटिंग, तब से कह रही हूँ मुझे भी करनी है। तुमने कभी नहीं कहा? कहा था, आप कभी सुनते हैं जब मैं कुछ कहती हूँ तो? मजूमदार बाबू को बोल दो, किसी को ढूंढ ले आएंगे। देवयानी को भी पूछ लो। देवयानी को खाना बनाने के अलावा और कुछ जानना सीखना नहीं, और बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? हमारे वरुण बाबू काफी अच्छे चित्रकार हैं। अपने चाय तो खत्म कर लीजिए। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। अब जाओ। अब क्या? जाओ।
पहले कभी कोशिश की? मेरा मतलब जब शांति निकेतन में पढ़ती थी तब कुछ तो सीखा होगा। हम जानते हैं मैं शांति निकेतन में पढ़ चुकी हूँ। नहीं, वो जमींदार बाबू की बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत सीखा है। मुझसे क्या सीखना चाहती हो आप, बताओ। लैंडस्केप से क्यों ना शुरू करें? नेचर को कैनवस पे उतारना बहुत आसान है, तो हाथ भी सज जाएगा, फिर धीरे धीरे। नहीं, आम और सेब के बाद सबसे पहले शांति निकेतन में हमें लैंडस्केप से सिखाए थे। हम पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं सीख सकते? आपको भरोसा नहीं मुझे लैंडस्केप्स आते हैं? दिखा दो। ये तो बिल्कुल, तुमको तो आता है। मुझे बस पत्तियां बनाने नहीं आती, हमेशा गलत बना देती हूँ। पत्तियां? पत्तियां बहुत आसान है, दिखाइए। ये देखो, मॉडर्न आर्ट में तो ऐसे ही बनती है पत्तियां। आपको पेंटिंग नहीं आती ना? तो तुम उनको सिखा रही हो? अब क्लास चलते रहने के लिए किसी को तो सिखाना होगा और किसी को सीखना है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बनने चले रंगरेज, पकड़े गए अंग्रेज। मैं तो हमेशा से पेंटिंग सीखना चाहता था, अब मौका मिला है तो सीखना। हाँ? हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दे का हाल जरा। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। Oh,
सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भर आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। पता है बाबा मुझे पाखी एक्सप्रेस बुलाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? मैं लिखना चाहती हूँ, ढेर सारी किताबें लिखना चाहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ यहाँ से भाग जाओ अपने डलाउजी वाले घर और वहाँ बैठकर लिखती रहूँ लिखती रहूँ। बाहर बर्फ गिरती रहेगी और अंदर मैं लिखती रहूँगी लिखती रहूँगी। वहाँ पे एक राजा का महल भी है ना? हाँ, चंद्रीघाट महल। उनके राजा के पास कितना कुछ है, बाबा से 10 गुना ज़्यादा। और उनके पास एक गणेश की पुरानी मूर्ति भी है, बहुत कीमती है। अच्छा, खालिस सोने की, 500 साल पुरानी। तुम ये जो खुदाई ढूंढाई करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? जो यही है जो आता है। जो करता हूँ उसके अलावा और कुछ कभी किया नहीं। अगर तुम्हें कभी मौका मिले कुछ और करने का तो क्या करना चाहोगे, बताओ? एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच, नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक मास्टरपीस पेंट कर, पंक्चर है, 10 मिनट लगेंगे। क्या हुआ? आखी
है कि वो के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा कैमुन बोका मुंटा रे, कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये अच्छी लड़की है, समझ न पाए रे, जो वहां पे जाते जाते तुम्हें उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। उसे इतने सपने मत बुनने दो कि तुम्हारे चले जाने के बाद वो मर ही रहे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पाकी से वाकई प्यार है तो प्यार करने की सुविधा आपको नहीं है श्रीवास्तव साहब। अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी होगी, और अनुमति आपको वो कठोर दिल चाचा देंगे नहीं। फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारे, प्रेम कोई सेंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा कैमुन बोका मुंटा रे, प्यार करते हैं वरुण बाबू।
मेरा दिल रखने के लिए तो हाँ बोल दीजिए। सही के मेरे सर पे मंडराते मत रहो, मेरी अंतरात्मा बन के खाना खाओ। चाचा कतार आया था, पूछ रहे थे इतना समय क्यों लग रहा है। नमस्कार, विश्वजीत राय, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? आदेश पर सरकारी मोहर लगी है, देख लीजिए। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था मेरे दादाजी को। 200 साल पुराना है कम से कम, उससे ज्यादा। पाल बाबू जी, गाड़ी में डाले सर। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब हमारी इतिहास की धरोहर है जो सरकारी खजाने में जाएगी, बाद में संग्रहालय में। ये हमारे राव चौधरी खानदान की धरोहर है, ये आप नहीं ले जा सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको जो कुछ भी दिया था वो उनका नहीं था, उन्होंने चुराया था। अगर आप नहीं देंगे तो आपको गिरफ्तार करके लेना पड़ेगा। तुम मुझको गिरफ्तार करोगे? मानिकपुर की जमीन पे खड़े होकर तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? माफ कीजिए, मैं आपका नहीं सरकार का मुलाजिम हूं। दुनिया बदल गई है वरुण बाबू, आप लोगों की बेहतर हुई है और हमारी खत्म हो गई। इतनी गहरी आदत हो गई थी जिंदगी की कि आप या मजुमदार के कहने पर भी ऐसा नहीं लगा कि जमींदारी लूट जाएगी। आप लोग अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं और हम आजादी से बर्बाद हो गए। अभी भी बहुत कुछ है आपके पास जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी कीमत है। खरीदार अभी भी घूम रहे हैं चारों तरफ। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि हम अंग्रेजों के दोस्त हैं। हम मजबूर थे, आजाद हिंद फौज को कितना पैसा दिया हमने। वो हमारी गलती है कि सरकार अगर उनकी आजादी की लड़ाई एक्सेप्ट नहीं करती। वरुण बाबू बुलाने होने, बेच डालो सब। जमींदार बेचने को तैयार, बताओ चाचा को।
कल मजदूरों के जाने के बाद हम इस दिशा में खो गए। जो मिट्टी यहाँ से निकलेगी यहाँ जाएगी। 3 रातों में किसी भी तरह हमें पूरा काम खत्म करना होगा। It's the first car I owned, very dear to me. Hope you take good care of her. I will. Most certainly. It's a lovely car. Most certainly will take it. Thank you. Thank you. Oh, meet my friend Varun Srivastav, Mr. Mukherjee. Michael, nice to meet you. Pleasure. He's bought my car. To Calcutta? Yes, today itself. Deb inke saath ja sakta hai? Ask him. I have no problem. जमींदार बाबू, दो दिन बाद हम भी चले जाएंगे। महीना पूरा हो गया इतनी जल्दी? हमारा काम खत्म हो गया, समय ही बर्बाद किया, कुछ मिला नहीं। All the best.
धर्मिंदर बाबू, मैं बाकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? मेरे माँ बाबूजी नहीं है, मुझे याद भी नहीं वो कैसे थे। मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने ही पाला पढ़ाया, सब काम सिखाया। उन्हें बुलाओ। क्या हुआ? वो नहीं मिलेंगे। क्यों? हम मना कर देंगे। क्या मना करेंगे? जमींदार बाबू, हम शादी करके कहीं और चले जाएंगे। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे। मैं जान लगा दूंगा पर उसे दुख नहीं पहुंचने दूंगा। एक चिट्ठी लिखी है जी, जमींदार सौमित्र राय चौधरी, आपको अपनी सुपुत्री सौदामिनी पाखी और वरुण श्रीवास्तव की शुभ सगाई पर सादर आमंत्रित करते हैं। लिखा जी। रॉय चौधरी बाबू। मिस्टर वाजपेयी, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, थैंक यू। कोई जलसा चल रहा है? मेरी बेटी की सगाई है। अच्छा, तुम शादी कर रहे हो पाकी से? और चाचा जी को क्या बताओगे? पता नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उसे पूरा ही खत्म करके जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्या बात है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम नहीं बता रहे हो, मैं जानता हूं। कहां है सगाई? मंदिर। कब? कल। कल? और काम? तुम्हारा काम है, खुद ही कर लो। नहीं, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हम दोनों का काम है। बधाई हो वरुण साहब, सुना है हमने। रिश्ता बनाएगा तो खाएगा क्या? चाचा, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना? मैंने तो नहीं की जानी, की होती तो तुम सबको कैसे पालता? जानता हूं आपने पाला, नहलाया, धुलाया, खिलाया, बड़ा किया। आपने जो जो काम मैंने भी किया, कभी पहले आपसे कुछ मांगा नहीं। बताया उसे कि तू क्या करता है, यहां क्यों है? सूरज को मार दिया पुलिस ने, उसने भागने की कोशिश की थी। दो बेटियां हैं उसकी, एक बेटा, तू तो जानता ही है। यही जिंदगी है हमारी जो हम जीते हैं, तू ये देना चाहता है उसे?
कल सुबह सामान के साथ साथ तू भी हमें कलकत्ते में चाहिए। हमारे काम में रिश्ते बनाने की न तो सुविधा है ना ही गुंजाइश, फिर भी तूने कोशिश की है। और तो क्या है, तेरे ससुर को बताने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। एक नोटिस लिया
दीदी खाना लग गया है। तो मैं जाऊं फिर? हाँ तुम घर जाओ। और कुछ चाहिए दीदी? नहीं। जी, आप वरुण को जितनी अच्छी तरह जानती थी और कोई नहीं जानता। अगर आप मदद नहीं करेंगी तो उनके गिरोह को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मानिकपुर में आपके साथ जो हुआ है वो कई औरों के साथ हो चुका है। इस गिरोह ने हजारों लाखों चुराए हैं, जमींदारों से, राजा महाराजाओं से। सिर्फ अकेले रॉय चौधरी साहब की मौत के जिम्मेदार नहीं है ये। मेरे पापा इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि उन्हें किसी ने लूट लिया था। वरुण ने उनका दिल तोड़ा था, उन्हें धोखा दिया था। उस पे बहुत विश्वास करते थे। अगर रॉय चौधरी साहब जिंदा रहते तो शायद वो भी यही चाहते हैं कि वरुण को उसकी किए की सजा मिले, नहीं? उससे बदला नहीं लेना चाहती सिंह साहब, सिर्फ उसे भूल जाना चाहती हूँ। ठीक है। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े या फिर कुछ याद आ जाए जो आप बताना चाहें तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं आप। क्या लिख रही हो? कोई कहानी लिख रहे हो? क्या कहानी? बस कहानी है। लड़का है कहानी में और एक लड़की। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार में पढ़ने वाले? पता नहीं। लड़का कुछ पूछ रहा है, लड़की जवाब नहीं दे रही। नाराज है लड़के से। सवाल पूछ रहा है और लड़की क्या कह रही है?
लड़के ने लड़की को बताया कि वो कितनी सुंदर है, कि उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, लड़की ने लड़के से बोला कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है। इंस्पेक्टर के.एन. सिंह से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, पाखी रोहित चौधरी। ठीक है, होल्ड कीजिए। के.एन. सिंह बोल रहा हूँ। उसने कहा था कि चंद्रीगढ़ के राजा के पास एक 507 पुरानी गणेश की सोने की मूर्ति है। हो सकता है वो उसे चुराने डलाव से आ जाए। जी, शुक्रिया। जी। टीबी है, जानलेवा है। तुम्हें किसी गर्म जगह पे जाके रहना चाहिए, ज्यादा जियोगी। एक दिन मरना ही तो है डॉक्टर अंकल, जी कर क्या करूंगी। एक और किताब लिख सकोगी। जो लिख रही हूं उसी में तो सारी जिंदगी खत्म हो रही है। Thank you.
मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है? बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनके जंगल में धावा बोला, उसे हजारों तीन बार तलवार से काटा, लेकिन वो मरी ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी है। अब लाखों तोते हैं जंगल में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है? एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। दो लोग आए हैं गेस्ट हाउस के लिए, क्या करूं? दिखा दो। कौन रहता है? मालती, उनकी तबीयत खराब है। आइए। गिरोह का सरदार वाजपेयी कलकत्ता में पकड़ा गया है। आपको सावधान करने के लिए फोन किया था। वाजपेयी ने कबूल किया है कि वो दोनों वरुण और देवदास डलहौसी में पहुंच चुके हैं। हमने सारी जगह जहां पर लोग रह सकते हैं बंद करवा दी है, कभी ना कभी वो आपके पास पहुंचेंगे। जैसे पहुंचेंगे। मूर्ति म्यूजियम में लेके कैसे जाएंगे आप लोग? जी ट्रक से लेकर जाएंगे, वो ट्रक दिल्ली से निकल चुकी है। और सिक्योरिटी? जी उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, कुछ 6 लोग भेजे जाने हैं दिल्ली से, वो मूर्ति के साथ यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। आप चाहते हैं तो आपके भी आदमी आ सकते हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी मूर्ति ले जाने के लिए हमें एक बक्सा बनाना होगा, तो उसकी नपाई के लिए हम कल आ सकते हैं अगर आपको असुविधा ना हो तो। बस आप कहें तो ठहर भी जाते हैं। ठीक है, आप लोग कल से आ जाइए, हम आज सबको खबर करवा देते हैं कि आप लोग कल से आ रहे हैं। जी केएन सिंह स्पीकिंग। हम देवेंद्र सिंह बोल रहे हैं। जी वही दोनों थे। जी शुक्रिया।
आपके पास कितने आदमी हैं? 12 हैं जी। सबके पास हथियार है? 303 है जी। मुझे सब चाहिए अभी। जी। ओ बजरंगी, निकलो। हमारे पीछे तुम दाएं जाओ, मैं बाएं जाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट में यहीं मिलो। Thank you.
तुमने कुछ दिया अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं दिया डॉक्टर साहब। कितनी दूर है यहाँ से? बस जी 5 मिनट का रास्ता है। उसे सांस तो ठीक से आ रही है ना? सिंह साहब, उसे गोली लगी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। चारों तरफ पर्चा छपवा कर मार दो, दीवारों पर चिपका दो। उसका हुलिया कैसा दिखता है उसका सब। जी सर। मुझे ये आदमी चाहिए। उसे ढूंढते रहो जब तक मिल नहीं जाता या मर नहीं जाता।
मेरा दोस्त मरा है तुम्हारी वजह से, ये आसानी से मरने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें भी किसी के मौत का गम हो सकता है, मुझे नहीं पता था। बहुत कुछ नहीं पता बाकी। तुम जाओ वरुण। मुझे छुपने की जगह चाहिए। वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। चले जाओ वरना पुलिस को टेलीफोन कर दो। नहीं करोगी? दरवाजा बंद करो शामा। पागल हो गया तुम? दरवाजा बंद करो। पुलिस वाले ने रोका तुम्हें? कुछ कुछ पुलिस वाले ने रोका तुम्हें? कुछ पूछा तुमसे? कोई सवाल किया मेरे बारे में? नहीं। मुझे बहलाने की कोशिश मत करना शामा। आपकी तस्वीरें लगी हैं बाजार में, आपको ढूंढा जा रहा है। एक हवलदार की हत्या का आरोप है आप पे, और वो कह रहे हैं कि आपने अपने दोस्त को भी मार डाला। तुमने देव को मार दिया? आपको देखते ही मार देने का आदेश है। कौन हो आप? ये भगवान विष्णु के अवतार है शमा, इनके 10 नाम और रूप है। जानबूझे नहीं मारा मैंने देव को, वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसा था वो। और वो वाला खुद मर गया। अरे वो क्या करता मैं? वो लोग मुझ पे गोली चला रहे थे, मैं उन पे चला रहा था, एक हवलदार को गोली लग गई, वो मर गया। तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। सच बोल रहा हूँ। उस समय सच बोल देते तो बहुत कुछ बच जाता। देव पाजपा अंकल उनको धोखा नहीं दे सकता था मैं। पाजपा अंकल ने पाला है मुझे, मुझे और देव को जब से इतने छोटे थे तब से, उनका विश्वास उठाकर तालाब में नहीं डुबा सकता था मैं। मेरे विश्वास को डुबा सकते थे, मेरे प्यार को धोखा दे सकते थे। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमने कुछ देखा ही नहीं है, चार दीवारी में रही हो, ऐशो आराम से जियो सारी जिंदगी, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। लीजिए, रख लीजिए, मसाला कूटने के काम आएगा। दीदी पुलिस को टेलीफोन कर दे। नहीं। आप क्यों उसे बचा रही? अबे नंदू बोल रहा हूँ, मैं कल चला जाऊंगा, आज रात यहीं रुकूंगा। तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकती हो। जमींदार बाबू गुजर गए। कैसे? तुमने उन्हें मार डाला जैसे तुमने देव को मार डाला। तुम्हारी गलती नहीं थी। Thank you.
हम घर जा रहे हैं, पुलिस से कुछ नहीं कहेंगे। सब कुछ पीछे छोड़कर आए थे, सब भूल जाने। पता नहीं क्यों तुम वापस आ गए, पता नहीं क्यों मैंने आने दिया। क्यों जब तुम सो रहे होते हो मैं खलक उठकर मार नहीं डालती। मजा आ रहा है ना तुम्हें देखकर कि मैं किस हालत में हूं। वो पेड़ देख रहे हो, उसे रात दिन ताकते रहते हो, जैसे वो कोई तोता हो, मेरी जिंदगी हो। रोज उसके पत्ते गिरते हुए देखती रहती हूँ। जिस दिन वो पेड़ नंगा हुआ, जिस वक्त उसकी आखिरी पत्ती गिरी, मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। यहाँ इस हालत में ला छोड़ा है तुमने मुझे। ये जानकर शायद थोड़ी शर्म आए तुम्हें जीने में, लेकिन मुझे पता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम उससे भी अपने आप को छुपा लोगे। शिकायत मिटाने लगी सुबह बेदाग है, सुबह बेदाग है जो बर्फ को गलाने लगी। कहीं तो आग है, कहीं तो आग है न उड़ने की इस दफा ठानी। परिंदों ने भी वफा जानी, अंधेरे को बाहों में लेके उजाले ने घर बसाया है। चुराया था जो चुकाया है, शिकायतें मिटाने लगी। नसीबों की बात है, ज़मीर की कहानी है ये। यही बैराग है, यही बैराग है, शिकायत मिटाने लगी। सुबह बेदाग है,
शरीर भी बहुत गर्म है, मुझे कुछ और दिन यहाँ रहना पड़ेगा। नहीं पीने मुझे तुम्हारी चाय। क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं, जब करना चाहिए था तब भाग गया था, और लोग भी थे तुम्हारे चारों तरफ। पता है तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा क्या? एक बार से दिल नहीं भरा फिर से क्या करूं? आजकल इतनी हसीन जो लग रही हो। मजाक नहीं कर रही, मुझे तो आता ही नहीं है मजाक करना। एक काम करो, तुम कुछ खा लो, ताकत आए से। पाखी मेरा नाम मत लो। चिल्लाओ मत मालकिन, फिर से दौरा पड़ जाएगा। देखा तुम क्यों? चुप। कभी सोचती हो तुम्हें जान से मार डालो, इतनी नफरत करती हो तुमसे, पर अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची, मुझे अब सिर्फ मुक्ति चाहिए वरुण, तुमसे, खुद से, जिंदगी से।
अंदर आ सकता हूं? कई बार फोन किया मैंने, किसी ने उठाया नहीं। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? जी बस थोड़ी बहुत खांसी है। कहिए। आपने उसे देखा या मिली? किसे? वरुण। मैं उसे क्यों मिलूंगी?
जी आपने कहा था वो आएगा पर वो नहीं आया। गेस्ट हाउस भी खाली पड़ा है, बोर्ड अभी तक बाहर लगा हुआ है। जी मैं अंदर देख सकता हूँ? वारंट है आपके पास? जी वारंट है आपके पास? वारंट अभी तो नहीं है बाकी जी, लेकिन कल लाकर दिखा सकता हूँ आपको। तो फिर आप कल ही आ जाइएगा सिंह साहब। आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है बाकी जी? मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। ये वही आदमी है जिसके वजह से आपके पिताजी की मौत हुई और हमारे हवलदार की गोली मार के हत्या की उसने। जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, या तो उसे फांसी पर लटका देंगे या उठाकर जेल में डाल देंगे जिंदगी भर के लिए। कल मैं वापस आऊंगा वारंट के साथ। मेरे साथ 10 पुलिस वाले भी होंगे जिनको मैं बाहर छोड़ के जा रहा हूं। अगर उसने रात को यहां से भागने की कोशिश की ये उसे मार देंगे, नहीं तो कल मैं मार दूंगा। एक गोली तो मार चुका हूं उसको, बुरी तरह घायल है। बच गया साला, इस बार नहीं बचेगा। मेरा असली नाम पता है क्या है? क्या? आत्मानंद त्रिपाठी। केन सिंह तुम्हें मार डालेगा। देवता तो पता है क्या है? क्या? ऐसा कोई केन सिंह या रहमान पैदा नहीं हुआ जो देवानंद का बाल विवाह कर सके। तुम देवानंद नहीं हो। वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसे बड़े बड़े चक्रों की नजर निकला हुआ। वारंट लेकर आ रहा है। आज रात को ही चला जाऊंगा। मुझसे मुंह मत मोड़ो पा, मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हारे और जमींदार बाबू के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। वो हक सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन मैं अपने आप से नफरत करता हूँ और शायद जब तक जीऊंगा तब तक करता रहूंगा। तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? पर बहुत किया था, अब भी करता हूँ। तुम इकलौता मौका था मेरी जिंदगी में जीने का जो मैंने गवा दिया। मेरी जिंदगी में सबने मेरा इस्तेमाल किया, प्यार से तुमने किया, तो उसकी कीमत मैं चुका नहीं पाया। जो तुम यहां जी रहे हो ना, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। उस आखिरी में कुत्ते के साथ अपनी जिंदगी जोड़ के रखी है, वो सही नहीं है, वो तुम्हारा तोता नहीं है। अगर वो पत्ती गिर गई तो? नहीं गिरेगी, ये मेरा वादा है।
मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी, जिंदा हूँ यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। हिस्सा मेरा तो बदले में हवा ने सांस दी, अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे, कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी,
हमेशा गलत बनाती थी। पत्तियां? पत्तियां माता से दिखाइए। मॉडर्न आर्ट में तो ऐसे ही बनती है पत्ती। बेवजह तो नहीं रूठे हैं सभी।